इतना तेजी में है ना इसीलिए फंस गया। अगर आराम से तो भाग रहा है। ठीक है ठीक है, ध्यान रखना भाई, नहीं तो छीन के भाग जाएगा। देखो उनकी पशुपतिनाथ हम घूम लिए और वापस जा रहे हैं शंभू टेम्पल, जो उधर हम वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि उधर बहुत सारे मंकी है, तो मंकी को जैसे मोबाइल बाहर नहीं निकाल लेते, नहीं तो वो छीन के भाग सकता है। तो देखिए हम इस रास्ते जाने वाले हैं और इस रास्ते से आए थे, तो ठीक है हम आपको बैक कैमरा दिखा रहे हैं ताकि इसका पूरा व्यू आप देख पाओगे। बाल इतना बड़ा हो गया कि आँख पे आ रही है, तो आप दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं आपको बैक कैमरा। पहाड़ में आप कहीं भी जाओ, आई पहाड़ बोल रहे हैं, नेपाल में कहीं भी जाओ तो आपको पहाड़ दिखेगा ही दिखेगा, और पहाड़ जहाँ पे होगा वो नेचर को बहुत अच्छा बनाता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और मंकी से हमको बहुत डर लगता है, वो मोबाइल लेकर भाग जाएगा, मोबाइल लेकर भाग जाएगा तो मेरा पूरा डेटा इसी में है, तो फिर वीडियो कैसे बनाएंगे या आज जो बना है उसको हम कैसे शेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। देख रहे घर, कलाकारी बहुत सारा होता है नेपाल में, आपको दिखा रहे हैं घर का कितना डिजाइन किया अच्छा से, देखिए कितना मेहनत लगता होगा यार। देख लो देख लो, इसी तरह हर जगह देख रहे हो पूरा ऊपर है, तो ये स्ट्रक्चर पर जो बनाया गया है बहुत सारा मेहनत लगता है उसमें, यही नेपाल की खूबसूरती है। और ये सब टैक्सी है, यहाँ से अगर जाओ शंभू टेम्पल तो ये लोग चार्ज करेगा कम से कम 250 प्लस, बहुत चार्ज करता है, और बस लेगा 30 रुपया, तो 30 रुपया देना हमको सही लग रहा है ना कि 250 रुपया। तो यहाँ से हमको जाना होगा, ये देखिए साइड साइड का नज़ारा, इधर से हम आए थे, मुझे इधर जानी है। तो इसी रास्ते भी जा रहे हैं, और जब हम यहाँ पे आए थे तो इसी रास्ते से आए थे, तो एक और रास्ता है उधर से आप जा सकते हो, लेकिन ये इसलिए आ रहे हैं ताकि जो देखें उसी आ रहे हैं, फिर उधर जाएंगे वो कितना लंबा चौड़ा है, किधर भाग रहा है, रास्ता कहाँ जा रहा है, तो फिर हमें परेशानी होगी। सोचे कि जो रास्ता देखा हुआ है उसी को यूज करते हैं और आगे चलते हैं मेन रोड में, वहाँ जाने के बाद लेते हैं बस लेते हैं, और उसके बाद फिर जाते हैं शंभू टेम्पल। देखो मेन रोड के पास आ गए हैं, अब चलते हैं बस लेते हैं। पानी पड़ना शुरू हो गया है, जब भी ट्रेवल करें ना तो जहाँ भी जगह पर जाए, जहाँ पे आप जाना है तो वहाँ पे हवड़ा का कुछ मत करो, जाओ तो पहले 2 मिनट आराम से रुक जाओ, देखो क्या हो रहा है, फिर उसके बाद से जो करना है करते रहो। अभी देखो पानी पड़ रही है बहुत ज़ोर से, अब चलते हैं उस साइड बस लेते हैं, हम आ गए लोकेशन पर आ गए, और ये जो है हमारे बैकग्राउंड गली, इसी रोड से हम आए थे, और एक और रोड है, देखो एक और रोड है, दो रोड है जस्ट बगल बगल में, एक लेफ्ट की जाएगी एक राइट की जाएगी, तो अगर राइट से जाते हो तब आप जाओगे टेम्पल में, अगर जाते हो लेफ्ट साइड से तब जाते हो जहाँ पे आदमी को जलाया जाता है ना, वहाँ जाओगे। हम अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, राइट लेफ्ट अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, अगर आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे तो फिर दाएं में हो जाएगा, तो अभी जाते हैं हम उस साइड जाते हैं, अभी क्रॉस नहीं करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे क्योंकि ये क्रॉसिंग हुई है, वहाँ बस लगी हुई है, जल्दी से क्रॉस करते हैं ताकि हमको बस ना छूटे। तो बच्चे लोग वेट कर रहा है, बाहर निकलना है, बाहर निकलना आप लोगों,
जल्दी से क्रॉस कर लो भाई। चला गया भाई, देखो बस चला गया ना, बस छूट गया, ट्रैफिक की वजह से बस छूट गया। देखो इसीलिए जल्दी भी करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से अभी जस्ट भेजा है, क्या बोलते उसको, हेलीकॉप्टर बोलते हैं भैया। चलो सेम्बू टेम्पल जाओ, इसे पूछते हैं सेम्बू टेम्पल। देखो सेम्बू टेम्पल नहीं तो ये भी नहीं जाएगा, हम वेट कर रहे हैं। बस जाती है, जनरली बस जाती है, लेकिन ये लोग नहीं जाता है। पूछते हैं सेम्बू टेम्पल, नहीं जाए, नहीं जाएगी। इंतजार कर रहे हैं, देखो कब मिलता है हमें। खोलते हैं छत, इसे पूछते हैं, ये पता नहीं जाएगी नहीं जाएगा। जाओ सेम्बू टेम्पल, नहीं नहीं जाएगी, हटा नहीं सेम्बू टेम्पल, ये कहीं जाएगी सेम्बू टेम्पल, जाएगी नहीं बस है ना। हाँ आप चलते वहाँ पे, लगभग टाइम लगेगा 20 मिनट से कम टाइम लगेगा, और देखते हैं किराया क्या लेंगे। लगभग 20-30 रुपये लेगा लोग, लेकिन अगर उससे आते ना वो जहाँ पे क्या बोलते वो फोर व्हीलर था, वो हमको चार्ज करता 300 रुपया। तो सोचेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं है, और वो इसीलिए वहाँ से यहाँ आए और यहाँ बस लिए, फिर जा रहे वहाँ पे, देखते हैं। और लेकिन अगर आप थोड़ा सेव करना चाहते हो तो थोड़ा सा कॉस्ट होती है, तो कॉस्ट को थोड़ा आपको सहना पड़ सकता है। और बस पूरा सिर भर गया, पूरा सिर भर गया। तंबा का बना हुआ है, पता नहीं ये तंबा का है या ये गोल्डन कलर इसको पेंट किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्डन कलर पेंट किया होगा। सामने पालती हो शांति का स्तूप है, देखो पीछे से ऐसे दिख रहा है। इसमें डोनेशन बॉक्स बंदर हर जगह है, तो मोबाइल फोन या कुछ भी आपका इक्विपमेंट वो संभाल रखिए। और देखिए आगे देख रहे हो,
ये बैक साइड दिख रहा है, हम आगे जो दिखाए थे ना उसके बैक है। और सक्य महाकाल मंदिर, इसके नाम है सक्य महाकाल टेम्पल आउटस्टैंडिंग द हाउडर्स ऑफ मार। मंदिर देखिए हंसी आ रही हो। चलो यहाँ पे दिया इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, और जितने भी स्तूप है उस सारा सारा डिजाइन वहाँ दिया गया है दीवार पर, देख लो। ये हम सब लोग अपना कुछ टिकटॉक टाइप के कुछ जो भी ऐप है ना, ये सब लोग अपना बना रहा है। देखो ये आपसे बिजी हम टिकटॉक, अभी हम जा रहे हैं वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए कुछ नहीं है। ऊपर जाने का मौका है, अभी चला जाए ऊपर। आप ऑल द पीपल आर टेकिंग पिक्चर्स हियर, मैं आपको दिखाता हूँ साइड से। मैं शायद उल्टा साइड चल रहा हूँ, इधर चलते हैं। ये गोल्डन पेंट किया गया है, अलग से दिखने में लगा था ना मुझे, अलग से दिखने में मुझे लगा था कि ये समथिंग कुछ और है, लेकिन लेकिन सामने आने पर लगा कि हाँ ये गोल्डन कलर का पेंट किया गया है। थोड़ा इस साइड आएंगे तो हम इसको ज़्यादा दिखाने का मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ फोटो खींचने सबसे मना ही है, लेकिन 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 नागरिक किसी भी देश का हो, मानने वाला तो कोई नहीं होता है। अभी यहाँ से वापस जा रहे हैं, और यहाँ से जाएंगे शंभू टेम्पल के पास, तो सामने से मिलेगी मुझे बस मिलेगी या किसी भी तरह सवारी मिलेगी। देखिए यहाँ से आप पूरे पूरे पीछे देख रहे हो, पूरा पहाड़ दिख रहे हो, बंदा है, सॉरी बंदा बोलो, कोई बंदर है, ध्यान नहीं रहेगा तो आपको मालूम चलेगा कि गायब हो गया फ़ोन, क्योंकि इस तरह जगह पर अधिकांश तो बंदर होता ही है, और फ़ोन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको अच्छा रखने के लिए वो हम लोग का काम है। चलो भाई फिर से हमको बस देनी पड़ेगी। ये वो बंदा घूम रहा, देख लो। हम अधिक सबसे ज़्यादा जिक्र करते हैं बंदर का, क्योंकि हमारे माइंड में वो बैठ गया है कि इसका जो नाम है यहाँ पे लिखा है, एग्जिट वे ये है। अब यहाँ देख लिए, अब चलते हैं शंभू, जो जहाँ जिसके लिए बस लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा आगे पे है, और देखते हैं कौन सा बस जाएगी, मालूम करना पड़ेगा।
इसीलिए उतरे थे बस से ना, ताकि हम इसको देख पाएं, ये जो महात्मा बुद्ध का जो स्तूपा है इसको देखने के लिए उतरे थे। और बस तो फिर ट्राई कर रहे हैं, फिर हमसे वो 20 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, क्योंकि अगर आप बीच में बस छोड़ते हो ना तो आपका किराया भी उतना ही लगता है जनरली, क्योंकि आपको पता नहीं है, तो जितना वो लेगा आपको उतना देना होता है। कितना टाइम पीछे नहीं तो बस जाएंगे, बिकॉज दे आर चार्जिंग लेस अमाउंट। या नेपाल इज गुड, लेकिन नेपाल इज गुड, वो सो नाइस प्लेस। I love to being here. I want to settle here permanently. But my God, you are driving so fast. I'm scary. Nice place. So how much? 50. How about 40? No, I just give you 50. Okay, don't worry. This is 60 rupees. This is 60. Thank you. Give me change of 10 rupees. No. Yeah? No. No. We don't have too much money, and we are traveling. Okay. No. Keep in the bus. Thank you. Welcome. देखते हैं क्या बोलता है लोग। यहाँ से इन कर सकते हैं हम। यह है शंभू महाचैत्य, इसका नाम है, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा फेमस है शिवम्भू के नाम से। महाचैत्य कोई नहीं बोलता है, सबसे ज़्यादा लोग बोलता है शिवम्भू। ट्राई कर रहे हैं कि हम किस साइड से पार करें। इसके अंदर लग रहा है कुछ है। पीपल आर थ्रोइंग क्वाइंस। पीपल आर थ्रोइंग क्वाइंस इन दिस बॉक्स। भाई देखो अगेन बंदर, हर जगह बंदर आ जा रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रही है। यहाँ से इन करते हैं और वहाँ से आउट होंगे। Thank you.
क्या लगा था? देखो ये चढ़ने वाली साइट है, ये भी साइट है और एक और वे है जहाँ से आप ऊपर जा सकते हो, एक इधर भी है। ये रास्ते हैं, वो रास्ते आप जिसको मन करे उसको चूज कर सकते हो और यहाँ से भी उतर सकते हो आप, यहाँ से उतर सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ इस साइड से जाने के लिए, ये इसलिए इसको हम यूज कर रहे हैं क्योंकि राइट साइड है, तो राइट साइड से स्टेयर क्लाइंबिंग करना अच्छा होता है ताकि बैलेंस मिलती है, ये लेफ्ट साइड अच्छा नहीं लगता है। सीढ़ी चढ़ने पर दर्द कर देता है यार, इतना सारा सीढ़ी है, यहाँ रेस्ट ले सकते हैं आप यहाँ पे। फोटोग्राफी, पीपल आर डूइंग मोस्ट ऑफ टाइम फोटोग्राफी एंड दे आर कैप्चरिंग द मेमोरीज ऑफ देयर लाइफ। ओह माय गॉड, इट्स टू हार्ड टू क्लाइंबिंग ऑन द स्टेयर, आई कंटिन्यू वॉकिंग। श्रीमती र बाल बच्चा को पालन पोषण में पनि अत्यन्त गाह्रो भएको हुँदा आफूले सक्ने सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। सेवा नै धर्म हो। वो मुझे वो वहाँ पे हम डर गए थे ना, मुझे लगा कि वो हमारे शरीर पे गिर जाएगी, ऐसा लगा मुझे। कैंडी है मेरे पास, तो चेंज है ही नहीं। कितने कैंडी है? नो वीडियो कितनी ये कैंडी दिया 100 रुपया में, लेकिन ठीक है, टेस्ट अच्छा है इसका, चलो खा। उसी समय जो घूम रहे हैं सोचे कुछ खा लेते हैं। कैंडी क्रश, इसको कैंडी नहीं बोलते हैं एक्चुअली, इसका एक दूसरा नाम है, मुझे याद नहीं है इसीलिए किसी कैंडी बोल रहे हैं, कि कुछ तो कुछ नाम देना होना इसको, हम जो याद है वही बोल दिया। गाइस हाउ आर यू? हेलो, यू वांट टू से समथिंग? या दिस इज आवर न्यू फ्रेंड, या ही इज शोइंग अस अराउंड द होल, नॉट रियली। आई एम कैमरा शाय, या कैमरा शाय, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड शी नेम इज सारा। And we are talking about some other issues, like how the people are suffering other types of resources. Or he is, sir, what's your name? Corin. Which we are following also on the Instagram. And they will something suggest to you, which I will remember in my hard time. So let's say something.
for you to remember. Yeah, I will remember in my hard time. Then okay. I'm using computer. Keep smiling and enjoy the sunshine. Oh, okay. Inspirational quotes. Yeah. I'm very. That's quite a good one. Yeah, I'm lost for words. I'm very glad to hear your sound. I'm very happy to spending some minutes. This is my every second is the equivalent of my hour time. So thank you for them for spending some time with me. And thank you also for him. He is a nice person. Not he. She is a man. She is not. Yeah. She is not well. So okay. Thank you for. Bye. Thank you. Bye. And YouTube. Share comments and follow. Like, follow, and yeah, subscribe. Like, yeah. Oh yeah. Like, follow, and subscribe. And hit the bell. Okay. Thank you for being here. भाई बंदर है मोबाइल छीन लेगा ये जा रहे हैं हाय हाय कती लाम दे सुन रहा हूँ है दे दे स्माइली गुड ले पति आऊं तो दे आप तो कितने कितने उसे भी पटना नीचे वापस चल रहे हैं अब नीचे से होते हुए चले जाएंगे अपने रूम पे 15 40
यहाँ से आप नीचे उतर सकते हो। तो कितना डाउनफॉल है। यहाँ से नीचे उतरने के लिए आपको ये है चढ़ने, ये चढ़ने की वे है, कहाँ गया ये, और ये उतरने की वे है। अगर आप चढ़ते हो तो इस साइड से आओगे, उतरते हो तो इस साइड से आओगे। ओह माय गॉड, लॉट्स ऑफ मंकी। ऊपर से यहाँ तक आ गए हैं, चल रहे हैं नीचे, देख रहे हो नीचे जा रहे हैं। और तो 4 मिनट और लगेगी नीचे जाने तक, लेकिन सीढ़ी इतना ना है ना कि आप थक जाओगे एक ब्रेक पर चलने में, लेकिन फिर भी ठीक है। ये सिंगर है लेकिन इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसको कोई पैसे नहीं दे रहा है। देखो ये आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प करनी चाहिए। और एक चीज़ हम आपको हर दम बहुत टाइम मेंशन किए होंगे कि हम सबसे ज़्यादा हमको दिक्कत होती है तो मंकी से। देखो फोन लेके भाग जाएगा तो फिर मेरा सारा वीडियो इसी में आ जाएगा और इतना मैंने खर्च हो रही है तो उसका कुछ हिसाब किताब नहीं होगा। वो हवा हो गया और आपका फ़ोन भी हवा हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान में हम बहुत रख रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या पता, गलती होता है तो हो ही जाता है, कौन देखा है। देख रहे हो पंखे है वहाँ पे, पीछे भी है, देख रहे हो। देख रहे हो मंकी वहाँ पे कितना है, बहुत सारा मंकी है। तो उससे बचने के लिए आपको बहुत जो मर्जी जो करो लेकिन मोबाइल सेफ रखो अपना। देख रहे हो कितना मंकी वहाँ पे उस घर के ऊपर है। अब हम मोबाइल रख रहे हैं पॉकेट में, चल रहे हैं अब बस पकड़ने के लिए चाहे ऑटो लेने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। ये इसको नचाना होता है, उससे वो एक बौद्ध धर्म का एक कुछ होता होगा, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। देखो ये लोकेशन है नीचे का, यहाँ से आप बस वो ले सकते हो, टेम्पो ले सकते हो। उसके लिए थोड़ा आगे जाना होगा, सामने दिख रहा है ना वो सब टैक्सी है, यहाँ से जा सकते हो। ये पता नहीं कहाँ जाएगी, मुझे सीधे जानी है जहाँ से हम बस पकड़ सके। जितने प्लेसेज है ना, ये बहुत क्राउडेड प्लेस है, यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, यहाँ पे हर जगह का, क्योंकि ये काठमांडू का सबसे फेमस जगहों में एक आता है, क्योंकि यहीं से गाड़ी मिलती है थामेल के लिए और यहीं से गाड़ी मिलती है क्या बोलते हैं सुंदरजल के लिए। और यहीं से मैंने काठमांडू के जितना भी जगह है ना, सबसे ज़्यादा गाड़ी यहीं से मिलती है, तो इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ दिखता है। और आगे मॉल है, वहाँ चल रहे हैं, कुछ सामान वामान लेते हैं, थोड़ा सा सामान क्या लेंगे यार, ऐसा इतना इसमें महंगा सामान मिलता है कि हम क्या खरीदें। गौशाला भी यहीं से मिलता है, गौशाला बहुत हाई फाई एरिया है। देखो ये मॉल है, इसका नाम है द काठमांडू मॉल KFC, यानी इसको KFC स्पॉन्सर किया इस मॉल को।
ये देख लो अब रखते हैं, थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं।